इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आष्टा में लाली बहना सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन भी मन से मजबूत होते हैं। शरीर का कोई अंग कमजोर हो सकता है, लेकिन व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। उन्होंने दिव्यांगजनों से कहा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके मामा आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री चौहान आष्टा में कॉलेज परिसर में दिव्यांग हितग्राहियों को सहायक उपकरण वितरित करने के लिए आयोजित शिविर में आए। हितग्राहियों एवं नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पुष्प वर्षा कर दिव्यांगजनों का स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम में 379 दिव्यांगजनों को 770 सहायक उपकरण वितरित किए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रोड शो के दौरान नगरवासियों से पुष्प वर्षा कर तथा फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान रोड शो के दौरान बस स्टैंड रोड से परदेशीपुरा, बुधवारा गंज चौराहा, कॉलोनी चौराहा से कन्नौज रोड होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। रोड शो के लिए रास्ते और घरों को फूलों, स्वागत द्वारों और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान के लगभग 3 किलोमीटर तक 2 घंटे चले इस रोड शो में बच्चे, महिलाओं, पुरुष और युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने अपने घरों से बाहर निकलकर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए आतुर। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भी नगरवासियों का अभिवादन करते हुए नन्ही नन्ही लाडली लक्ष्मी बेटियों को गोद में उठाकर दुलार किया। इस अवसर पर बेटियों ने भी अपने प्रिय मामा को अपने बीच पाकर खुश नजर आए। आज के कार्यक्रम के दौरान कुछ घटनाएं ऐसी भी देखने को मिली जिसमें मुख्यमंत्री ने रोड शो के दौरान कन्नी सेना द्वारा काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने का सफल प्रयास किया था, जिसके पहले ही प्रशासन ने सभी को अपनी कस्टडी में ले लिया। कन्नी सेना द्वारा काले झंडे दिखाकर विरोध का प्रयास क्यों किया गया, इसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। स्थानीय नगर पालिका में सुनवाई नहीं होने का बताया कारण है और आज मुख्यमंत्री को अपना दुख बताते आई थी, परंतु नहीं मिल पाने से वे दुखी और अपना खुद मीडिया के सामने बताया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। ये सही था यार।